कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने पार्टियों को सशर्त प्रचार की इजाजत दी है। बड़ी रैलियों पर 22 जनवरी तक रोक लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद भी चुनावी कार्यक्रमों में लापरवाही नजर आ रही है। ऐसे में सवाल जनता और नेता दोनों से है कि लापरवाही करेंगे तो कोरोना से कैसे लड़ेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नोएडा की गलियों में पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन वोट के खेल में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। और वो ऐसे कि इजाजत तो 5 लोगों के साथ प्रचार की है, लेकिन भीड़ की गिनती सैकड़ों और हजारों तक पहुंच जा रही है। तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां भूपेश बघेल कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए वोट मांग रहे थे। पंखुड़ी भी भूपेश बघेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैंपेन कर रही है, लेकिन अब इन तस्वीरों से आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि प्रचार के दौरान भीड़ जुटाई गई और तस्वीरें इसकी तस्दीक भी कर रही हैं। मामले में भूपेश बघेल समेत कई अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि छोटी जगह होने से भीड़ जुटी थी, भीड़ पार्टी की तरफ से नहीं जुटाई गई थी। लोग अपने घरों में हैं और उतने में निकलते हैं तो भीड़ लग जाती है। मेरे साथ प्रत्याशी है, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है, सुरक्षा है, और 5 लोग बोले तो कम से कम 25-30 लोग तो पत्रकार लोग हैं और उसके साथ कैमरामैन है, तो भीड़ तो वैसी हो रही है। बघेल आज भी ग्रेटर नोएडा के दादरी में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल गोवा की गलियों में अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन नियमों और कानूनों की दुहाई देने वाले केजरीवाल ही आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। केजरीवाल के कैंपेन में भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। अब जरा इटावा का हाल देखिए। एसपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की भीड़ और नारेबाजी के साथ बीजेपी नेता मनीष यादव को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। खुशी का मौका है तो आचार संहिता और कोरोना नियमों का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। ना किसी के चेहरे पर मास्क नजर आया और ना ही सामाजिक दूरी का पालन किया गया। यूपी में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लिहाजा शक्ति प्रदर्शन के लिए नेता कोई न कोई तरकीब ढूंढ ही ले रहे हैं। उन्नाव सदर सीट से बीएसपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह ने तो पहले उन्नाव के शुक्लागंज में अपने समर्थकों की पूरी फौज जुटाई और फिर जुलूस निकाला, जनसभा को भी संबोधित किया। भाजपा है तो इस खेल में सभी पार्टियां शामिल हैं। तस्वीरें हापुड़ की हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हैं, लेकिन कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। बता दें कि नियमों के उल्लंघन में कोई पार्टी पीछे नहीं है। चुनाव के नाम पर भीड़ का खेल सभी पार्टियां खेल रही हैं और खेल सभी राज्यों में हो रहा है। ऐसे में सवाल ये कि जब नेता ही नियमों का ऐसे मजाक बनाएंगे तो जनता नियमों का पालन कैसे करेगी। ABP News आपको रखे आगे।